गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम क्लास सेकेंड का माई बुक ऑफ इंग्लिश का चैप्टर नंबर सेकेंड जो हमने किया था आर फेस्टिवल्स, उसकी हमने यहाँ तक एक्टिविटी कर ली थी ना, अब हम ये एक्टिविटी करेंगे, एक्टिविटी 3, और ये पेज नंबर 11 पे है। ठीक है, मैच द नेम्स ऑफ फेस्टिवल्स विद द पिक्चर्स दैट डिस्क्राइब देम। इसमें है कि जो पिक्चर्स डिस्क्राइब करती है इन फेस्टिवल्स को, हमें उन्हें उससे मैच करना है। तो दिवाली सबसे पहले है। दिवाली, दिवाली पे हम क्या करते हैं, दिया जलाते हैं और हम उस पर कैंडल्स जलाते हैं। तो ये है, यहाँ पे तो ये नमाज पढ़ रहे हैं। ये क्रिसमस ट्री है जो क्रिसमस पे करते हैं। ये स्विंग है, स्विंग मैंने बताया था पिछली वीडियो में, झूला। ये है रंग, रंग मतलब कलर्स, कलर्स तो होली पे लगाते हैं। और ये है दिया, दिया हम दिवाली पे जलाते हैं, तो हम दिवाली को दिए से मैच कर देंगे। ठीक है, अगला है होली। होली, होली पे हम क्या करते हैं, हम नमाज पढ़ते हैं, नहीं, क्रिसमस ट्री डेकोरेट करते हैं, नहीं, स्विंग झूला झूलते हैं, नहीं, रंग लगाते हैं, हाँ, तो होली को रंग से मैच करेंगे। ईद उल फितर, ईद ईद पे हम क्या करते हैं, ईद पे हम क्रिसमस ट्री डेकोरेट करते हैं, नहीं, झूला झूलते हैं, नहीं, नमाज पढ़ते हैं, हाँ, मैंने बताया था आपको ईद पे हम नमाज पढ़ते हैं। क्रिसमस, क्रिसमस पे हम डेकोरेट करते हैं ट्री को और सेंटा क्लॉज आते हैं। ये क्या है, ये तो स्विंग है, ये क्रिसमस ट्री, तो हम अब इससे इसको मैच कर देंगे। तीज, तीज पे क्या होता है, तीज पे हम दिया जलाते हैं, नहीं, झूला झूलते हैं, हाँ, तो हम इसको इससे मैच कर देंगे। मैंने क्या बताया था, रेनी सीजन में हम झूला झूलते हैं, रेनी सीजन में तीज आती है। अब पेज नंबर 12 खोल लेंगे सब बच्चे, उस पर है लुक एट द पिक्चर्स एंड वर्ड रिटन अंडर देम ट्रेस ओवर दीज वर्ड्स। मतलब कि ये जो पिक्चर्स हैं इन्हें देखना है और इनके नीचे जो ये डॉट है इनको ट्रेस करना है। तो अब हम ट्रेस करते हैं, इसके नीचे लिखा है डी ए वाई डे। हाँ, सब बच्चे ऐसे डे लिखेंगे इसमें, फिर यहाँ पे आएगा एन आई जी, सब बच्चे पेंसिल से इसे अपनी बुक में लिखेंगे एच और टी। डे मतलब दिन, नाइट मतलब रात। ठीक है बच्चों, अगला है पेड़। पेड़ को हम इंग्लिश में कहते हैं ट्री, पर अब हम यहाँ पे लिखेंगे टॉल, क्योंकि पेड़ बहुत लंबा होता है ना, टी ए डबल एल। जब दो अक्षर साथ में होते हैं तो डबल कहते हैं उसे, तो ये है टॉल। ये क्या है, छोटा है, शॉर्ट। तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे एस एच ओ आर टी, शॉर्ट। अगला है, ये क्या है, ये लड़की हंस रही है ना, तो ये है हैप्पी, एच ए डबल पी। मैंने बताया था ना, जो अक्षर साथ में आता है उसे डबल कह देते हैं। तो अगला यहाँ पे लिखेंगे वाई, ये है, ये नाराज़ है ना, किससे नाराज़ है, ये किसी भी चीज़ से हो सकता है, इसको टॉय ना मिला हो उससे भी हो सकता है। तो अब यहाँ पे लिख देंगे एस ए डी, एस ए डी का मतलब ये क्या बना, सैड, सैड मतलब नाराज़। ओके बच्चों, इसकी ये पूरा काम करके आपको ग्रुप में फ़ोटो भेजनी है इसकी। और बाय बच्चों, अगली वीडियो में हम इसकी आगे वाली एक्सरसाइज करेंगे। बाय।